औद्योगिक क्षेत्र पीतमपुर में गुरुवार रात पुलिस ने अवैध वसूली करने वाले पत्रकारों में एक फर्जी गैंग को पकड़ा है। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में इस बात की चर्चा थी कि कुछ बाहर के पत्रकार आकर क्षेत्र में अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं। कई जगह व्यापारियों के पास पहुंच अपने आप को पत्रकार बताकर विभिन्न कारणों से अवैध तरीके से वसूली कर रहे हैं, जिसको गंभीरता से लेकर औद्योगिक नगरी पीतमपुर प्रेस क्लब द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर इस बाहरी असामाजिक तत्वों के खिलाफ ज्ञापन दिया गया। पुलिस ने इस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए देर शाम करीब 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल है। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय पत्रकारों द्वारा कल कुछ फर्जी पत्रकारों द्वारा शहर में अलग अलग संस्थानों पर जाकर दबाव बनाकर पैसों की मांग कर रहे थे। थाना सेक्टर 1 पुलिस ने व्यापारी से बातचीत व लेन देन की बात करते हुए पकड़ा, जिन्हें थाने पर लाकर पूछताछ में इन 7 फर्जी पत्रकारों के पास से सिर्फ एक महिला पत्रकार के पास से आईडी मिला है, परंतु वो आईडी भी फर्जी होने का शक है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पीतमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। सर, ये कुछ फर्जी लोगों को पकड़ा है पत्रकारिता के नाम पे, क्या है पूरा मामला? कल मेरे कार्यालय में पीतमपुर प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारी एक लिखित ज्ञापन दिए थे कि पीतमपुर में कुछ फर्जी पत्रकार बनकर लोगों को अपने आर्थिक लाभ के लिए वो कर रहे हैं, जिन्हें तुरंत कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी सेक्टर 1 श्री लोकेश भदौरिया और उनकी टीम को इस संबंध में लगाया गया। तो करीब 8 बजे ये पुष्पा यादव नाम की एक फर्जी पत्रकार और उसके साथ में अमित, कपिल, कमल, पवन, गरिमा और नितिन, ये एक एक्सयूवी गाड़ी में और यहाँ के व्यापारियों से मोल भाव कर रहे थे। मौके में रेड किया गया तो वो व्यापारी भी मिले। व्यापारी ने वहाँ पर एडमिट किया कि ये मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहे हैं। प्रकरण 384 का पाए जाने से तत्काल सभी को राउंड अप करके थाने लाया गया और 5 प्रकरण 384 के पंजीबद्ध किए गए हैं। और जिनके साथ इन्होंने थ्रेट किया था वो भी यहाँ पर आके FIR करवाए हैं और कई लोग शिकायत कर रहे हैं। इस प्रकार कल रात में 7 फर्जी पत्रकारों को मैं एक्सयूवी गाड़ी के गिरफ्तार किया गया है और एक इसमें कमल नाम का आरोपी है, वो खजराना का रहने वाला है, जो 376 का आरोपी है। सर, बताया जा रहा है कि बड़े बड़े न्यूज चैनलों के नाम से वसूली करते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक नाम से पुष्पा यादव ने आईडी बना के और लोगों को गुमराह करके वहाँ पैसा अटने का काम किए हैं। इसके विरुद्ध इंदौर में कई थानों में प्रकरण पंजीबद्ध होने की सूचना है, जिसकी जानकारी ली जा रही है। ठीक सर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।